स्वयं के लिए, परिवार के लिए, दायरा कभी बढ़ा नहीं पाए आप लोग, दायरा बढ़ा नहीं पाए, उस सोच से बाहर नहीं निकल पाए। आपने ठीक कहा कि समाजवादी पार्टी ने, मैं कभी कभी, बहुत अच्छे महापुरुष इसमें पैदा हुए थे, आचार्य नरेंद्र देव का कौन नहीं सम्मान करता है, जयप्रकाश जी का सम्मान कौन नहीं करता है, डॉक्टर लोहिया का सम्मान कौन नहीं करता है, चंद्रशेखर, मैं गाली नहीं देता हूं तो कल हाथरस में भी साबित हुआ है, कल सोशल मीडिया में दिन भर चल रहा था कि टोपी वाला कौन, ये हाथरस की घटना ने कल इस टोपी के बारे को, इस टोपी को फिर से कटघरे में खड़ा किया है। कल हाथरस में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, क्या समाजवादी पार्टी का उस अपराधी से कोई संबंध नहीं है क्या? और क्या हर अपराधी के साथ समाजवादी शब्द क्यों जुड़ जाता है? मैं यही पूछना चाहता हूं, क्यों जुड़ जाता है ये? कौन सी स्थिति है, ये कौन सी मजबूरी है? मैं वही कह रहा हूं ना, ये तो ये के साथ है। अरे आज वहां पे कोई रैली आपकी, आज रैली है ना कोई, टोका टोकी हो रही है। जब संसद में, जब विधान सभा में सत्य प्रलाप होगा, ये जो उसका बात कर रहे हैं, ये भाजपा के सांसद के साथ बैठे हैं। मैं यही पूछना चाहता हूँ, आज वहां पे समाजवादी पार्टी की एक रैली है और रैली के पोस्टर उस अपराधी के द्वारा लगाए गए हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ लगाए गए हैं, ये क्या साबित करता है, ये क्या साबित करता है? तो मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैंने तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि मैंने तो उस एक मासूम बच्चे की, आप सुनिए ना, देखिए मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा, हम किसी की बात को, आपका भी सम्मान है कि आपने जब कही तो मैंने आपसे कहा, सम्मान है, देखिए आप, हम लोग सम्मान करते हैं सदन का, नेता सदन का, उस कुर्सी का, लेकिन असत्य का हम लोग सम्मान नहीं कर सकते। आपने जो बात कही मैं उसका बात कर, ये फोटो देखिए आपका एमपी ना हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका एमपी ना हो और वो मदनी ना हो साथ में, तो जो कहिए सो कहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, आज ही समाजवादी पार्टी का सम्मेलन है, देश के पूर्व मुख्यमंत्री का, और समाजवादी पार्टी के सम्मेलन में उस अपराधी के द्वारा पोस्टर लगाए गए कि नहीं लगाए गए हैं, और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के साथ लगाए हैं उसने, आप जाके देखिए उस चीज को, आपका सम्मान हम लोग करते हैं, आप तो सम्मान को हम लोगों को बरकरार रखने दीजिए, आप महोदय ये होल्डिंग और जो पोस्टर वहां अलीगढ़ में लगे हुए हैं किसके हैं और क्यों लगाए गए, कैसे लगा दिए गए, बाकी लोग क्यों चिल्ला रहे, एक दिन में नहीं लगे हैं, आज इनका सम्मेलन है वहां पर, और उस सम्मेलन में वो पीड़ित बालिका भी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि उस अपराधी का संबंध किससे है। हम सच को एकदम झुठलाना चाहते हैं, हम सच को भी यानी धूल झोंकना चाहते हैं, समाजवादी आंदोलन को आपने एक अस्वाभाविक, अव्यवहारिक और एक अमानवीय आंदोलन बना दिया,